G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ सेवन, यानी दुनिया के सात बड़े देशों का एक ऐसा समूह जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं, इसीलिए इसे G7 कहते हैं। और जिस तरह दुनिया के 20 बड़े देशों के संगठन को G20 कहते हैं, और जिस तरह G20 का वार्षिक समिट पिछले साल भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ, ठीक उसी तरह से G7 देशों का यह वार्षिक समिट इस बार इटली में हो रहा है। G20 की तरह भारत G7 देशों का भी स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में एक विशेष सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया गया है। और इस समिट में आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हुई, और इस मेलोडी मुलाकात की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये मेलोडी मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब हम मेलोनी और मोदी को जोड़कर दुनिया के लोग जब इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो इसे मेलोडी का नाम दे दिया गया है। और आज इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने नमस्ते के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया। देखिए आप। इसके अलावा आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की। और प्रधानमंत्री मोदी के इटली पहुंचने के बाद से अब तक क्या क्या हुआ है उस सब घटनाओं की सारी तस्वीरें अब आप यहां देख सकते हैं। Sfruttando la disperazione degli esseri umani. Quindi. Grazie, grazie.
तो G7 में इस समिट में पिछले दो दिनों में क्या क्या हुआ है हमने तस्वीरों के जरिए आपको सब बता दिया, लेकिन आज इन तस्वीरों की खास तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिन्हें देखकर लोग कह रहे हैं कि मेलोडी इतनी चर्चित क्यों है। और ये तस्वीरें इटली से आई हैं, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी ने नमस्ते के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया और ये मुलाकात G7 के आउटरीच सेशन से ठीक पहले हुई थी। देखिए, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी असल में भारत में भी बहुत लोकप्रिय हैं, और आपने देखा होगा कि भारत में सोशल मीडिया पर अक्सर उनके बारे में बहुत बातचीत चलती रहती है, उनके बारे में बहुत सारे मीम्स, उनके बहुत सारे वीडियोस लगातार चलते रहते हैं। तो यानी भारत में भी वो बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समान हैं। 73 वर्ष के नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और 47 वर्ष की जॉर्जिया मेलोनी वर्ष 2022 में इटली की प्रधानमंत्री बनी थी, और पिछले दो वर्षों में दोनों नेताओं की कुल मिलाकर 5 बार मुलाकात हो चुकी है। और आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात शायद पता नहीं होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी में कई समानताएं हैं। देखिए क्या क्या है। पहली समानता यह है कि दोनों नेता अपने अपने देश में राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि G7 में जॉर्जिया मेलोनी को छोड़कर जितने भी बाकी नेता हैं वो सब अपने अपने देशों में संघर्ष कर रहे हैं, अपने अपने देशों में बड़े वीक विकेट पर हैं। सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी ऐसी हैं जो अपने देश में बहुत मजबूत हैं, और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं जो लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं और वो बहुत मजबूती से अपनी तीसरी पारी का आरंभ कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दोनों ही नेता अपने अपने देश में गठबंधन की ही सरकारें चला रहे हैं, और जिस तरह जॉर्जिया मेलोनी के गठबंधन को यूरोपीय यूनियन के चुनावों में बड़ी जीत मिली है, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के एनडीए गठबंधन को भारत के लोकसभा चुनावों में हाल ही में जीत मिली है। तो दोनों ने ही हाल के इलेक्शंस में जीत हासिल की है। तीसरी बात, जिस तरह बीजेपी का उदय प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा हुआ, ठीक उसी तरह का उदय जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी का उनके कार्यकाल में हुआ है, और मेलोनी की पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली, और प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। चौथा, दोनों नेताओं की पार्टियां दक्षिणपंथी विचारधारा को मानती हैं, और दोनों ही नेताओं की पार्टियों को और दोनों ही नेताओं को अपने अपने देश में राइट विंग लीडर और राइट विंग पार्टी माना जाता है। तो दोनों ही राइट विंग लीडर हैं, इन्हें भी, जॉर्जिया मेलोनी को भी इटली में एक राइट विंग लीडर माना जाता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को हमारे देश में माना जाता है। पांचवी बात, प्रधानमंत्री मोदी 18 वर्ष की उम्र में ही राजनीति में आ गए थे या सार्वजनिक जीवन में आ गए थे, और जॉर्जिया मेलोनी ने भी 19 वर्ष की उम्र में राजनीति में कदम रख दिया था, सार्वजनिक जीवन में कदम रख दिया था। और इन दोनों नेताओं में एक और बड़ी समानता यह है कि दोनों ही नेता बहुत गरीबी से उठकर आए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के पिता चाय वाले थे, प्रधानमंत्री मोदी बचपन में उन्होंने बहुत गरीबी में अपने दिन बिताए हैं, और जॉर्जिया मेलोनी की मां भी काफी गरीब थी और उन्होंने जीवन यापन के लिए काफी संघर्ष किया था। तो ये कुछ समानताएं हैं जो दोनों के बीच आप आज देख सकते हैं।